राज पाटिल की तरफ से बयान सामने आया है, क्या कुछ ये बयान है ये भी हम आपको बताते हैं। और आप भी लगातार इस कार्यक्रम ब्रेकिंग न्यूज पर और आज तक पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि अब आपको एक के बाद एक बड़ी खबरें मिलने वाली हैं। इस वक्त बड़ी खबर क्या है कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का सियासी संकट जो है वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। ये बड़ा क्यों होता जा रहा है? ये बड़ा इस लिहाज से होता जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में अब ये खबर चल रही है, बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की तरफ से बयान सामने आया है कि संजय राउत के भड़काऊ बयानों ने मुश्किल डाल दी है और इसी वजह से एकनाथ शिंदे समेत तमाम विधायक ऐसे हैं जो यहां पर बगावत कर रहे हैं। हालांकि शिंदे को डिप्टी सीएम पद देने की जानकारी नहीं है, यह बात भी चंद्रकांत की तरफ से कही गई। बीजेपी के नेता हैं चंद्रकांत पाटिल, जिन्होंने एकनाथ शिंदे पर बयान दिया है और ये बड़ा बयान दिया है कि भाई डिप्टी सीएम जैसी अब तक कोई बात जो है उनके संज्ञान में नहीं है। लेकिन क्या ये पटकथा एकाएक लिखी जा रही है या ये जो कड़िया दर कड़िया हम जोड़ रहे हैं, जिसमें राज्यसभा के चुनाव थे, जिसमें उसके बाद एमएलसी के चुनाव होते हैं और अब यहां पर ये सरकार को लेकर संकट पैदा होता है क्योंकि 26 विधायक ये कहा जा रहा है कि एक साथ इस वक्त सूरत में मौजूद हैं और इसमें 15 तो अकेले शिवसेना के बताए जा रहे हैं, बाकी निर्दलीय और छोटी छोटी पार्टियों के। लेकिन इन सबके बीच में बड़ी खबर एक बार फिर हम आपको बता दें, जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के सियासी संकट बढ़ाए। बयान सुनिए। जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उसको बहुत माइन्यूटली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इससे कुछ परिवर्तन होगा यह कहना यह थोड़ा प्री मैच्योर होगा। इट्स हैंडल विथ केयर एंड वी हैव टू सीन वेरी कीनली, वी आर ऑब्जर्विंग ऑल सिचुएशंस। संजय राउत कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को भड़काने में भाजपा का हाथ है, लेकिन एकनाथ शिंदे कड़वा संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। तो अभी तो संजय राउत जी है थोड़ा ठीक समझ पोलाइट बात करे हर विषय पर, नहीं आम्मी मराठी म्हणतो अंगावर जाने की आवश्यकता नहीं। सर देवेंद्र जी दिल्ली गए हैं तो क्या सरकार बनाने? नहीं, ये हमारी परंपरा है कि कोई चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रीय नेताओं को मिठाई देने के लिए जाना पड़ता है, तो देवेंद्र जी हमारे दिल्ली के सारे नेताओं को मिठाई देने के लिए गए।